नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ने हाल ही में कानपुर शेल्टर होम केस मामले में अफसरों की लापरवाही को उजागर किया था। अब इस मामले में प्रोबेशन अधिकारी अजित कुमार को निलंबित कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने जिले के डीएम डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि मामले में महिलाओं के अधिकार और गरिमामय जीवन के अधिकार के हनन की शिकायत है। आयोग ने डीएम कानपुर को मामले में नियम कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए 30 दिनों में लिए गए एक्शन की जानकारी देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कुछ और सवाल भी हैं जिनके जवाब जरूर तलाशे जाने चाहिए। बालिका गृह की अधीक्षक मिथिलेश पाल ने एक संवासिनी के एचआईवी और एक के हेपेटाइटिस सी से ग्रस्त होने की बात को स्वीकार किया। फिर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने कहा कि बाल गृह में किसी भी लड़की में एचआईवी पॉजिटिव और हेपेटाइटिस सी की पुष्टि नहीं हुई। इन बयानों में मतभेद क्यों? 100 की क्षमता वाले राजकीय बालिका गृह में 171 लड़कियों को रखा जाना। कोरोना जैसी भयानक महामारी के बीच डीएम ने क्यों इस बात को संज्ञान में नहीं लिया? बालिका गृह में गर्भवती लड़कियां भी थीं। महामारी को देखते हुए कानपुर मंडल के कमिश्नर ने स्पष्ट कहा था कि गर्भवती महिलाएं बेहद संवेदनशील हैं, फिर भी अफसरों की नजरों से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे छिपी रही? मामले में सरकार की लगातार फजीहत होती रही, लेकिन जिले के डीएम तथ्यात्मक जानकारी क्यों वक्त पर नहीं रख पाए? इन सवालों के जवाब जरूर तलाशे जाने चाहिए।